मैं चरणजीत कौर, मैं 46 साल की हूँ। मैं आशा वर्कर का कार्य कर रही हूँ 2007 से। अकेली को देख के मतलब इतना झुंड देखो, फिर एक वो अकेली लड़की है। ये वीडियो था आपने उस वक्त देखे थे ऐसे? जे ऐसा ही मेरे को तो ना ये वीडियो देख कर ना, जब ये अकेली ऐसा लगता था मैम कि मैं इस टाइम उसके साथ होती। कई बार कोई बात ऐसी मन में मतलब वो लग जाती है कि हम इस पर तो मेरे को बोलना है तो बोल नहीं रहा है। तो बोले लगे इसने क्यों अपने रिलीजन के नारे क्यों लगाए, चुपचाप क्यों नहीं चली गई? हाँ। तो उस पे आप क्या? वो देखो उसने लगाए, वो उसने तो अपने बचाव के भी तो लगाने थे ना। जैसे हम ना एक नारा लगाते हैं, हम बोलते हैं बोले सो निहाल सत श्री अकाल, तो हमें एक ऊर्जा मिलती है हमें। तो ऐसे ही उसको अपने अपने उसके साथ तो था नहीं कोई, तो उसको नारा तो लगाना ही था ना। तो उसने लगाया तो इनको और जेलसी हो हुई, तो जय श्री राम जय श्री राम बोलने लगे। तो हमें क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई जय श्री राम बोले, कोई अल्लाह अकबर बोले, कोई वाहेगुरु कुछ भी बोले, अपने अपने को चल रहा है उनका कर रहे हैं, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं। लेकिन धक्के से किसी को बुलवाएं तो वो हम नहीं झेलेंगे। ये बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि आज एक उस लड़की के ऊपर एक हिजाब पहनने का उसको ऐसे कर रहे हैं कि ये अगर हिजाब पहन के आएगी तो ये हमारी पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा, ऐसा बोला वहाँ पर भी। तो हम भी एक दस्तारधारी हैं औरतें, ये मेरे को नहीं कि वो उसको वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बिल्कुल हम सब औरत को सोचना चाहिए कि एक के साथ बुरा हो रहा है तो कल मेरे पास साथ भी होने वाला है। ये हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि होगा नहीं, या किसी दूसरे के घर में आग लगी है तो चलते चलते हमारे घर भी आ सकती है। ये मेरी जिंदगी का एक मेरे साथ जो मेरे को लगता है कि जब मेरे जितनी देर तक मेरे श्वास चले, मेरे ये सांस चलें, तो उतनी देर ये मेरे साथ ही रहेगा। मेरा जो एक जो पहरावा है सिक्खी पहरावा, ये मैं 2007 से ये पहरावा मेरा शुरू हुआ है। तो जैसे मेरे को अपने आप को पता चला कि मेरे को ज़रूर एक सिख धर्म में, जो सिख धर्म में नहीं जो भी अमृत छकता है चाहे किसी भी धर्म का हो वो अमृत छक लेता है, तो उसको जो हमारे पांच प्यारे होते हैं वो इस पहरावे के बारे में बताते हैं कि आज से आपने ये नाक कान में कुछ भी डाला हुआ है वो ख़त्म, और आपका असली पहरावा ये है इसको अपनाना है आपने। अगर वो हमारे को ऊपर ये कोई दबाव नहीं डालते कि आप अमृत छको जरूर छको। आज तक सभी ने बहुत ये इसकी कदर की है, इस पहरावे की कदर की है, एक पहचान दी है मेरे को इस पहरावे। तो मैं तो पहन सकती हूँ, मेरे को कोई टोकता नहीं है रोकता नहीं है, अगर मेरे को कोई रोके तो मैं उसका सामना करूँगी। तो ऐसे ही कि उस लड़की का अपना पहरावा है उसको क्यों रोका गया? सोसाइटी में कैसा ऐसा एकता में कुछ ऐसा हो जाएगा कि पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा या कैसे? उसका तो अपना
पहना हुआ है, उसने तो कुछ नहीं किसी से छेड़छाड़ की। वो चाहे हमारी हिंदू बहन है, वो मंदिर जाती है या कैसे जाती है, वो सिर ढक के जाती है, वो मांग भरती है, तो हम उसको ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आपने ये क्या लगा रखा है, उतारो इसको, अच्छा नहीं लगता हमारी सोसाइटी में, हमारी एकता में कुछ विघ्न पड़ता है। नहीं बोलेंगे कि उसका अपना काम है। सिर ढकना हमारी, जैसे प्रतिभा पाटिल जी है, वो भी किसी कहाँ जाती हैं बाहर, तो वो सिर ढकती थी। तो जैसे जैसे हमारी और कोई भी लेडीज़ हैं, महिला हैं, हिंदू धर्म से हैं, वो मंदिर जाती हैं, तो वो भी सिर ढक के जाती हैं। कौन कहता है कि और ये कले ये मुसलमानों ने मतलब उन्होंने हिजाब पहना, तो ये तो सब में है, तो हम किसी को तो नहीं रोक सकते ना। हमारा तो जो धर्म है उसके हिसाब से भी किसी के ऊपर जुल्म होता है वो भी नहीं देखना, तो उसके हिसाब से हमने सोचा कि ये हमें इसके ऊपर उठना चाहिए। अगर चलना है तो उसके साथ में कुछ मुश्किल या कुछ दिक्कत है या कष्ट तो होता ही है, खर्चा भी होता ही है, या अगर किसी का कुछ करना है तो, नहीं करना तो फिर चुप करके घरों में बैठे रहो सभी। अभी किसान थे, किसानों ने चले थे पंजाब से आगे, पूरे इंडिया के किसान जुग गए, अगर बैठे रहते तो नुकसान था सभी का। अगर उनका पहनावा है तो उनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कल हम भी पढ़ेंगे तो हमें कोई रोकेगा तो हमें बुरा लगेगा कि हमें हमारे धर्म पर ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल मेरे को ऐसा है कि जैसे मैं सुन भी नहीं सकती, अगर मेरे को कोई बोल दे तो मैं सुनूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं सुन सकती, उसका पूरा विरोध करूंगी। तो कहे क्यों, मेरा मन है मैं क्या पहना हुआ है। तो मेरे को लगा अगर वो भी एक लड़की है, उसका अगर वो मुस्लिम है तो मैं सिख हूँ या कोई हिंदू है, खून सबका निकाल कर देखे तो एक जैसा है, बिल्कुल एक है। ये हिंदू सिख मुस्लिम का जो नारा था उनको इन्होंने सही नहीं रखा। वो बोला था हिंदू सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन उस पर चले नहीं है लोग।